चलिए तो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स, वी हैव मतलब कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बर्नौलीज थ्योरम। तो जो बर्नौलीज थ्योरम होता है उसका जो हमने हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। उसमें से एक जो इसका बर्नौलीज थ्योरम का जो एप्लीकेशन है कि जब किसी पाइप में जब कोई फ्लूड फ्लो हो रहा होगा, क्लियर है, तो उस फ्लो का क्या डिस्चार्ज है, किस रेट से वो फ्लो हो रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए जनरली इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर है, तो फ्लो मेजरिंग डिवाइस में ये बर्नौलीज थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर है, तो जो एप्लीकेशन कहीं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग डिवाइस के थ्रू फ्लो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो उस जो वो जो फ्लूड मेजरिंग डिवाइस जो है उसी में हम लोग एक आज का जो क्लास में एक वेंचुरी मीटर होता है, क्लियर है, तो इस वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, तो आइए देखते हैं वेंचुरी मीटर क्या है। और ये वेंचुरी मीटर इंपॉर्टेंट है एग्जाम दोनों, कॉम्पिटेटिव एज वेल एज आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जैसे वेंचुरी मीटर के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वेंचुरी मीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है फ्लो मेजरमेंट के लिए। क्लियर है, तो अगर हम इसका बताएं तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो रेट थ्रू द पाइप, रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रेट ऑफ फ्लो मतलब कि अल्टीमेटली ये डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर पाइप के थ्रू ये ऐसा होता है वेंचुरी मीटर, और यहाँ पे ये मेन पाइप रहता है। क्लियर है, ये एक मेन पाइप रहता है, उसी के बीच में अगर हमें फ्लो रेट पता करना रहता है या किस रेट से फ्लो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसा फिट कर दिया जाता है मेन पाइप के पास में, और इसके थ्रू हम लोग क्या होता है डिस्चार्ज वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, तो बेसिकली इसका जो मेन जो वर्क करने का जो प्रिंसिपल है वो बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम कैसे है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि एक सेक्शन वन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक सेक्शन टू यहाँ पे ले लेता हूँ। इन दोनों सेक्शन के बीच में हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या मतलब कि दोनों इक्वेशन में अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, तो आप खुद देखिए क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ओवरऑल जो इसका जो डेटम वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो मतलब वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा का एक प्रेशर हेड वाला टर्म्स बचेगा एक साइड में, और दूसरे साइड में वेलोसिटी हेड होगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि जैसे ही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जाएगा तो वैसे ही प्रेशर जो वेलोसिटी हेड है वो इंक्रीज होते जाएगा और करेस्पॉन्डिंग प्रेशर हेड रिड्यूस होते जाएगा। उस प्रेशर हेड को यहाँ पे यूट्यूब ये जो लगा हुआ है इसके थ्रू प्रेशर हेड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब एक बार हमारा प्रेशर हेड पता चल गया तो वेलोसिटी हेड पता चल जाएगा। अब जब एक बार वेलोसिटी हेड पता चल जाएगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली सेक्शन वन और सेक्शन टू का हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, और इस पर्टिकुलर ये जो थ्रॉट एरिया है जो रिड्यूस सेक्शन है यहाँ का हमें क्या मिलना क्या पता रहेगा, एरिया पता रहेगा या यहाँ का एरिया पता रहेगा, तो वेलोसिटी और उस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें फ्लो रेट या डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कि किस तरीके से इससे हम लोग फ्लो मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ये यहाँ पे फ्लो आ रहा है फिर यहाँ पे कन्वर्जिंग सेक्शन है और एक थ्रोट लगा हुआ है, तो पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में जब हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो डेटम के कारण जेड वन जेड टू वो तो जीरो हो जाए मतलब इक्वल हो जाएगा। एक साइड मिलेगा हमें प्रेशर हेड और दूसरा टर्म मिलेगा हमको वेलोसिटी हेड। तो जब प्रेशर वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे, तो मतलब अल्टीमेटली एक साइड हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड का डिफरेंस, दूसरे साइड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक हेड का डिफरेंस। क्लियर है, अब प्रेशर हेड को ये यूट्यूब जो लगा हुआ है, हम लोग पता है ना मैनोमीटर में कैसे प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है दो पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ से ये यूट्यूब के हेल्प से हम प्रेशर हेड निकाल लेंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंस इन काइनेटिक हेड मिल जाएगा। क्लियर है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के हम ये निकाल लेंगे कि वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, और ये प्रेशर हेड वाले टर्म्स में जो हमें टर्म्स आए रहेंगे और कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो उन दोनों को यूज़ करके हम लोग
हर एक सेक्शन का वेलोसिटी निकाल लेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से तो हमें डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो इसको और ज़्यादा आपका क्लियर होगा जब हम लोग डिस्चार्ज वाला मतलब इसके बाद वाला जब डेरिवेशन करेंगे। तो अब प्रिंसिपल आपको होप हम समझ में आ रहा होगा, तो बस इसको हम लोग रीड कर लेते हैं कि ये क्या लिखा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बर्नौलिस इक्वेशन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बर्नौलिस इक्वेशन के ऊपर में बेस्ड है। और दूसरा क्या है, इन अ फ्लूड फ्लो द वेलोसिटी हेड इंक्रीज ड्यू टू एक्सेलरेशन फ्लो कॉज बाई द रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लो पैसेज, एज अ रिजल्ट प्रेशर हेड रिड्यूस एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इनेबल टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप। मतलब बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि जैसे ही यहाँ से फ्लो आ रहा है, इस डायरेक्शन से पाइप में कनेक्ट किए हैं तो यहाँ से फ्लो आ रहा है, तो फ्लो आ रहा है तो यहाँ पे देखिए एक कन्वर्जिंग सेक्शन है। कन्वर्जिंग मतलब क्या, एरिया रिड्यूस होते जा रहा है। तो जब एरिया रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी हेड वाला पोर्शन है, वेलोसिटी हेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी हेड इंक्रीज हो गया, अब इससे क्या हुआ कि इस साइड का जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब जहाँ पे वेलोसिटी हेड इंक्रीज होगा वहाँ पे प्रेशर हेड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेम एलिवेशन पे है। तो अल्टीमेटली एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। कुछ जो चीज़ इंक्रीज हुआ तो वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा। तो जब यहाँ पे कन्वर्जिंग सेक्शन से पास होगा और थ्रोट के पास पहुँचेगा तो वहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो हमारा प्रेशर वाला जो पोर्शन है, प्रेशर हेड रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और इस प्रेशर हेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये YouTube जो मैनोमीटर लगा हुआ है इसके हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और एक बार जब हम ये मेजर कर लेंगे तो कितना वेलोसिटी हेड में रिडक्शन हुआ वो निकाल लेंगे, और उसी के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पाइप में डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो होप आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि ये बर्नौलिस थ्योरम के ऊपर में, इक्वेशन के ऊपर में बेस्ड है। दो पर्टिकुलर पॉइंट पे बर्नौलिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि डेटम दोनों का सेम है तो वो जीरो हो जाएगा। तो एक साइड हमें प्रेशर वाला दो टर्म्स मिलेंगे, प्रेशर एज वेल एज आपका प्रेशर हेड मिलेगा और एक वेलोसिटी हेड मिलेगा। तो दोनों के रिलेशन प्रेशर हेड को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और उनके बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के हम हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, उस पर्टिकुलर पाइप का डिस्चार्ज निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है। तो मेन कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक कन्वर्जिंग सेक्शन है, एक थ्रॉट है और एक डाइवर्जिंग सेक्शन है, और दूसरा एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है। क्लियर है? तो देखिए ये क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जिंग कोनिकल ट्यूब लीडिंग टू सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ शॉर्ट लेंथ नोन एज थ्रोट। ये कन्वर्जिंग वाला हो गया, ये थ्रोट हो गया, और दूसरा फॉलो बाय द डाइवर्जिंग सेक्शन, और ये डाइवर्जिंग सेक्शन हो गया। मतलब सेक्शन वन, सेक्शन ये कन्वर्जिंग लिख दिए हैं यहाँ पे, ये कन्वर्जिंग वाला पोर्शन हो गया, ये थ्रोट वाला हो गया, और ये डाइवर्जिंग वाला हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखने वाला कि ये जो कन्वर्जिंग जो मतलब जो डाइवर्जिंग सेक्शन, ये वाला सेक्शन का जो लेंथ होता है वो कन्वर्जिंग के कंपेयर में 3 to 4 times ज़्यादा होता है। क्लियर है? और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, द प्रेशर इज मेजर बिटवीन द एंट्री सेक्शन वन एंड द थ्रॉट सेक्शन टू बाय द यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये तीन मतलब चार मेन क्या बोलना चाहिए इसमें पार्ट हैं। एक तो कन्वर्जिंग सेक्शन हो गया, एक थ्रॉट हो गया, डाइवर्जिंग सेक्शन हो गया, और ये एक यूट्यूब मैनोमीटर हो गया। ये अल्टीमेटली वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है, थ्रॉट पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा और फिर धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे ये जो प्रेशर में रिडक्शन हुआ है इसको हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूड HG मर्करी का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा वेंचुरीमीटर का क्या यूज है, और यहाँ पे क्या इसका प्रिंसिपल है, और क्या इसका वर्किंग है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके डेरिवेशन के बारे में देखते हैं कि कैसे हम वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, उसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग अब पिछले क्लास में इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल देखे, अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं वेंचुरीमीटर का। तो क्लियर है? तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन।
तो हमने क्या कंसिडर किया हुआ है कि एक वेंचुरी मीटर है जो कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप के ऊपर फिटेड है, और पॉइंट ए दो सेक्शन हमने लिया है जहाँ पे हमने यूट्यूब मैनोमीटर को ऐड किया है। सेक्शन वन का जो प्रेशर वेलोसिटी एरिया है वो हमें पता है, मतलब कि मान लेते हैं कि P1 A1 और V1 है, और सेक्शन टू के थ्रोट पे जो प्रेशर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, वो टू से हमने डिनोट किया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, क्योंकि हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम होता है वो हमारा वेंचुरी मीटर प्रिंसिपल के ऊपर बेस रहता है, तो सेक्शन वन और सेक्शन टू पे हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो जब सेक्शन वन और सेक्शन टू पे बर्नौलीज थ्योरम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, डेटम हेड, और सेक्शन टू पे वो सेम चीज़ हो जाएगा। और क्योंकि ये एक पाइप है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप के ऊपर फीड है, तो जो हमारा वेंचुरी मीटर हुआ वो भी एक हॉरिजॉन्टल हुआ, तो जब हॉरिजॉन्टल होगा तो हर एक लेयर क्या रहेगा हमारा, एक डेटम के रिस्पेक्ट में सेम हाइट पे होगा। तो जब सेम हाइट पे होगा तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो डेटम हेड एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू जो है वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन जो हो रहेगा वन और टू पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड और केवल वेलोसिटी हेड का ही सम रहेगा। क्लियर है? अब अगर हम प्रेशर हेड को एक साइड लिख लिए और वेलोसिटी हेड को इस एक साइड लिख लें, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, जहां P1 माइनस P2 अपॉन रो जी क्या हो गया, दो सेक्शन के बीच में प्रेशर डिफरेंस को बता रहा है। और जब हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर पढ़े थे तो वहां पे हमें पता रहता है कि कैसे किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर कनेक्टेड है, अगर एक यूट्यूब कनेक्टेड है, तो कैसे हम इसके बीच में जो डिफरेंस होता है या जो प्रेशर हेड होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो जब हमारा जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आएगा तो इस तरीके से दिया रहेगा, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेशर हेड को भी कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ये जो दोनों के बीच, दोनों सेक्शन के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग एक हेड, एच हेड से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर P1 माइनस P2 अपॉन रो जी को एच से डिनोट कर ले हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल में वेलोसिटी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में वेलोसिटी हेड के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन डाल लेते हैं। यही हमने कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वाले पोर्शन में पढ़ा है। अब हम लोग लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि जो डिस्चार्ज रियल में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेक्शन वन का वेलोसिटी एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट वन पर क्या एरिया है उसका प्रोडक्ट इक्वल टू होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, कहीं भी लीजिए, अगर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को स्टडी फ्लो है तो उसको ये सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ V2, तो हमारा क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू V2। और ये जो V1 की वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा जब सब कुछ रीअरेंज करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी क्या, V2 स्क्वायर अपॉन 2G अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 की वैल्यू क्यों, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो अगर हमें V2 या V1 में कोई भी एक पता चल जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो V2 रहेगा वो कुछ इस टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ से V2 को एक रहने दीजिए और बाकी सबको इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 2GH हो जाएगा और A1 स्क्वायर अप हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म्स है वो नीचे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर है तो ये केवल A1 हो जाएगा, रूट 2GH अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे कितना वेलोसिटी इस थ्रॉट पे होने वाला है वो हमने निकाल लिया। या आप ऐसा भी कर सकते थे कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि यहाँ से V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 निकालते और उसको यहाँ इक्वेशन में पुट कर लेते, तो वो भी मतलब कर सकते हैं, या फिर V2 कोई भी कर सकते हैं। अब बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप V2 निकाले हैं तो डिस्चार्ज क्या होता है वेंचुरी मीटर के थ्रू, A2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बस A2 को मल्टीप्लाई कर एरिया सेक्शन 2 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा रियल में डिस्चार्ज निकल जाएगा। क्लियर है? ये हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा और इसी फॉर्मूला को हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं।
लेकिन देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि किसी भी तरीके से लॉसेस को कंसिडर नहीं किया है। तो ये जो हमारा जो डिस्चार्ज आया ये हमारा क्या हुआ, एक तरीके से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया, क्लियर है। रियल में हमारा जो डिस्चार्ज होगा ऑब्वियसली यहाँ कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ लॉसेस होगा, तो उस लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए या उस लॉसेस को कंसिडर करने के लिए एक सी एक कोफिशियंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जिसकी वैल्यू रहती है 0.9 से लेके 1 के बीच में, क्लियर है। तो इसको अब तो एक्चुअल डिस्चार्ज जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज को थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल डिस्चार्ज। तो ये जो यहाँ पे ये जो हमारा क्यू आएगा इस क्यू को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल डिस्चार्ज। एक बार जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हम निकाल लेंगे तो ये सी डी की वैल्यू हमें दिया हुआ रहेगा कि बेंचुरीमीटर के लिए अलग अलग क्या होता है, और इस सी डी का जो रेंज होता है वो 0.9 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम एक्चुअल डिस्चार्ज भी यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार अगर हमें थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पता रहेगा तो उसमें हम कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर अलग अलग वेंचुरीमीटर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ रहता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम एक वेंचुरीमीटर से कितने अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए वेंचुरीमीटर था, बर्नौलिस इक्वेशन लगा है, हॉरिजॉन्टल बर्नौलिस थ्योरम था, तो डेटम वाला पोर्शन क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर और वेलोसिटी हेड के टर्म्स में डिफरेंस के टर्म्स में लिख लिए, जो कि प्रेशर दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में प्रेशर जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एच के फॉर्म में डिनोट कर दिए, जिसको कि यूटू मैनोमीटर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा है और वहाँ से किसी भी एक टर्म्स में, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि V1 को V2 के टर्म्स में लिख लिया, तो कोई एक इक्वेशन आ गया यहाँ से हमारा V2 निकल जाएगा। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है A2 इंटू V2, तो V2 हमें पता है, उसमें A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब ये कैस कंडीशन में जब हमने कुछ कंसिडर ही नहीं किया है, कोई लॉस को नहीं कंसिडर किया है, बट रियल में जब कोई भी फ्लूड फ्लो होता है तो ऑब्वियसली वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉसेज होता है, तो उस लॉसेज को ही कंपनसेट करने के लिए एक टर्म्स जिसको कि सी डी बोला जाता है कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो वेंचुरीमीटर के ऊपर में जो कंस्ट्रक्शन था, इसका प्रिंसिपल था और जो इसका डेरिवेशन था डिस्चार्ज के लिए, वो हमने कंप्लीट किया, क्लियर है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ऑरिफिस मीटर के बारे में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमें करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।